एक तरफ यूक्रेन को अमेरिका सहित अन्य नेटो देशों से एक बार फिर भरपूर सहयोग मिलने से यूक्रेन बेहतर स्थिति में आ गया है, वहीं दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी सहायता पर घूम घूम कर चेतावनी दे रहे हैं। साथ ही रूस अब अपने पुराने साथियों से संबंध बहाल करने में भी लगा है और उन पर बैन हटाने की तैयारी में है। यहां तक कि जिसे रूस ने आतंकी संगठन की लिस्ट में डाला था उसे उस लिस्ट से बाहर हटाने जा रहा है। दरअसल रूस जल्द ही तालिबान को प्रतिबंधित आतंकी संगठन की लिस्ट से हटाने वाला है। रूस की स्टेट न्यूज एजेंसी आरआईए नवोस्ती की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव ने कहा कि कजाकिस्तान ने हाल ही में तालिबान को आतंकी संगठन की लिस्ट से हटाया है और हम भी जल्द ही इसे लागू करेंगे। रूस ने सिर्फ तालिबान को आतंकी संगठन से हटाने की बात नहीं कही है बल्कि उसकी तारीफ भी कर रहा है। लवरोव ने कहा कि तालिबान असली ताकत है, हम उनसे अलग नहीं है। रूस ने यह फैसला अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के 3 साल बाद लिया है। रूस ने भले ही तालिबान को आतंकी संगठन की लिस्ट में डाला था लेकिन तालिबान रूस से अपने संबंध बनाए हुए था। उसने रूस से तेल खरीदने की इच्छा भी जताई है। रूस ने तालिबान को सेंट पीटर्सबर्ग में 5 से 8 जून तक होने वाले इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के लिए भी बुलाया है। तालिबान को आतंकी लिस्ट से हटाना और उसके साथ रूसी संबंधों की बहाली रूस का एक बड़ा रणनीतिक कदम है, क्योंकि तालिबान के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए तालिबान ने अमेरिकी सेना के साथ लंबी लड़ाई लड़ी है। ऐसे में दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली राह पर चलते हुए रूस तालिबान को अपने पाले में लाने की पूरी तैयारी में है। हालांकि तालिबान रूस के लिए किस तरह से उपयोगी साबित होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये तय है कि अब रूस सिर्फ हमले का जवाब हमले से देने की जगह नए कूटनीतिक फैसले भी ले रहा है। अभी कुछ समय पहले ही रूस और चीन ने अफगानिस्तान में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के खिलाफ अमेरिका और नेटो को चेतावनी भी दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक संयुक्त बयान में कहा था कि अमेरिका और नेटो को अफगानिस्तान में फिर से सैन्य बुनियादी ढांचा नहीं स्थापित करना चाहिए। दोनों देशों ने यह भी कहा था कि अमेरिका और नेटो ने अफगानिस्तान पर 20 साल तक अपना कब्जा रखा और अब वो एक बार फिर उस देश में और उसके अन्य क्षेत्रों में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। रूस और चीन का कहना है कि अफगानिस्तान जिन सामाजिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है उसे हल करने में अमेरिका और नेटो को मदद करनी चाहिए। आपको बता दें कि रूस और चीन के ये बयान सुनने में भले ही बहुत अच्छे और अफगानिस्तान के फायदे के लग रहे हैं लेकिन ये कूटनीतिक बयान है, और अब जब रूस ने तालिबान को आतंकी संगठन की लिस्ट से हटाने का फैसला लिया है तब उसके इन बयानों का मतलब और स्पष्ट हो जाता है।